आस्था के लोक पर्व अर्थात छठ पूजा के महापर्व की शुरुआत बीते कल से हो चुकी है। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। छठ पूजा के इस उत्सव पर हम इस समय मौजूद हैं नाला सुपारा पूर्व के सेंट्रल पार्क गार्डन में, जहां पर बहुजन विकास अघाड़ी के समाज सेवक नीलेश चौधरी, बाबू गावड़े व मुकेश गुप्ता द्वारा इस छठ पूजा का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग आ चुके हैं और छठ पूजा के इस महापर्व को मना रहे हैं। छठ पूजा के इस महापर्व में स्वच्छता की सबसे ज्यादा महत्वता मानी जाती है। इस छठ पूजा के महापर्व को माताएं अपने पुत्रों के लिए रखती हैं। ये पर्व 3 दिन का मनाया जाता है। नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है। दूसरे दिन सुबह उठकर सभी माताएं और जो व्रती होती हैं वो प्रसाद बनाती हैं और फिर शाम को सूर्य देवता को, जो डूबते हुए सूरज हैं, उनको अर्घ देती हैं। आस्था के अनुसार जिन लोगों को जितनी आस्था होती है वह उस हिसाब से इस पर्व को मनाते हैं। कुछ लोग पूरे रात और भोर होने तक पानी में ही खड़े रहते हैं और कुछ व्रतियां जो पानी में रात भर नहीं रह सकती वो शाम को अर्घ देकर तालाब तथा गंगा माता से बाहर निकल जाती हैं और फिर सुबह दूसरे दिन फिर से उगते हुए सूरज को अर्घ देती हैं और उसके बाद अपना जो व्रत होता है वो तोड़ती हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भक्तगण आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं व्रती की ओर, देखते हैं यहाँ के छठ पूजा की कुछ अद्भुत झलकियाँ। अगली खबर में तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।